अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएट स्किल्स। फ्रेंड्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए छोटी बेबी गर्ल के ड्रेसेस डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये सबसे पहला जो है कुर्ता स्टाइल में मैंने स्टिच किया हुआ है, स्टाइलिश कुर्ता है। सबसे पहले मैं आपको इसके नेक के बारे में बता दूँ। ये देखिए, सबसे पहले राउंड मैंने कटिंग की है, फिर इसरा वी कट किया और नीचे तीसरा सीधी पट्टी के लिए कटिंग कर दी। पहले नीचे वाली पट्टी लगाई, फिर ऊपर पट्टी लगाई है, यानी कि बटन पट्टी जो होती है। फिर उसके बाद ये नेक पे मैंने शमूस लगाई, जैसे बहन पे लगाते हैं या फिर जैसे पाइपिंग करते हैं वैसे भी पाइपिंग कर सकते हैं, लेकिन शमूस सीधा कपड़ा होता है इस वजह से सीधा ही लगाया है। ये नीचे बटन लगाना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से हमारा नीचे से कट होता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा लॉन्ग होता है और इसको यहाँ से नीचे से कवर करने के लिए हम नीचे बटन लगा देते हैं। ऊपर मैंने ये पर्ल के बटन बना के लगाए हैं, तो इसकी वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं इस नेक की वीडियो भी अपलोड करूँगी। ये यहाँ पे मैंने सीढ़ी लेस डाली हुई है कुर्ते के अंदर यहाँ पे, और ये इस तरह सीधा पीस था मेरे पास। तो साइड पे ये आप देख रही हैं जो मैंने डिज़ाइनिंग की हुई है, ये मेरे पास एक बॉर्डर था जो इसके साथ मैच हो रहा था सेम कलर का। तो फिर इस तरह से मेरी डिज़ाइनिंग भी होगी और मेरा कपड़ा भी जो है वो पूरा हो गया। तो चलिए मैं आपको दिखा दूँ कैसे ये कपड़ा मैंने इसके अंदर ऐड किया है। ये वाला कपड़ा जो है ऊपर से शोल्डर की कटिंग और नीचे से ऐसे रेप कटिंग की हुई है, जैसे फिटिंग की करते हैं, नीचे से चौड़ा है, ये देख सकती हैं आप। नीचे इसके यहाँ पे मैंने ये मोती लगा दिए हैं, लटकन मोती जो होते हैं वो वाले। ये देखिए, यहाँ पर नीचे मैंने फैशन पट्टी साइड्स पे लगाई हुई है बारीक सी और ऑफ वाइट कलर में, यानी कि इसके साथ ऑफ वाइट कलर में ही कैप्री है। बैक पे भी मैंने ये सीढ़ी लेस डाली हुई है। इसके स्लीव देखें, ये बॉर्डर है, फिर ये बॉर्डर है, यहाँ पे सीढ़ी लेस डाली हुई है। तो इस तरह से डिज़ाइनर जो है मेरे स्लीव रेडी हो गए और जो है लेंथ भी पूरी होगी। फ्रंट पे ये देखिए, मैंने ये टसल लगाए हुए, ये लेस थी मेरे पास, तो इस तरह मैंने कट कर करके ये टसल लगा दिए। इसका कैप्री देखिए, ऑफ वाइट कलर में कैप्री है, बहुत ही प्यारा सा ये कैप्री लगता है पहना हुआ। तो ये देखिए, इसके अंदर भी मैंने सीढ़ी लेस डाली हुई है और यहाँ पे एक कट रखा हुआ है, ये सीढ़ी लेस है, ठीक है। इस तरह से अगर कोई जॉइंट भी हो तो आपका ये जॉइंट भी कवर हो सकता है और जो है एक डिज़ाइनर कैप्री भी रेडी हो सकता है। कट पहले बनाया था, उसके बाद नीचे से फोल्डिंग की है। चलिए ये आपको पहन के दिखा दूँ। ये बाजू में भी हम लोग बाजू का डिज़ाइन भी ये वाला बना सकते हैं, कैपरी और बाजू दोनों पे ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे आप चाहें तो कोई पर्ल या लटकन भी लगा सकती हैं। इसके ओवरऑल वीडियो देख लें, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें। इस तरह के बड़े कुर्ते भी आप रेडी कर सकती हैं ईद के लिए, स्पेशल अपनी बेबी गर्ल के लिए ये वाले ड्रेसेस जो हैं इस तरह के रेडी करें आप, और घर में ही इजीली जो है अच्छा सा फैब्रिक ला के बना के पहनाएं। तो ये देखिए, नेक्स्ट कुर्ता जो है आप देख लें, इसके ऊपर भी मैंने ऑफ वाइट टच दिया हुआ है। ये थोड़ा राउंड में है, नीचे से इसका गोल घेर है और बहुत ही प्यारा सा और स्टाइलिश सा ये भी कुर्ता है। ऊपर ये मैंने ऑफ वाइट कलर का ये वाला मेरे पास फैब्रिक था, तो ये मैंने टच दिया इसको, बहुत ही प्यारा ऊपर से ये लगता है हीरे की तरह। इसके भी बटन पट्टी बनाई हुई है, नीचे पट्टी है और ऊपर भी इस तरह ऑफ वाइट कलर की पट्टी लगाई हुई है, ठीक है। सबसे पहले हमने ऊपर से राउंड कटिंग की थी और ये पट्टी लगा ली, और इन नीचे इसके मैंने टिच लगाए हुए, ऊपर ये बड़े बड़े बटन्स लगा दिए। फिर इसका जो है नेक ऊपर से रेडी कर लिया, जैसे हम बैन लगाते हैं बैन की कटिंग करके ये मैंने जो है फैब्रिक लगाया हुआ है, ठीक है। ये जो है मेरे पास ऐसे लेस एक पड़ी हुई थी, उसको मैंने ऐसे कट कर करके ना, तो ये बॉक्सेस वाली लेस थी, तो इस तरह कट करके लगा दी है नेक के साथ। ये बहुत ही अच्छी लग रही है, इसके ऊपर मैंने पर्ल भी अटैच किए हुए हैं। ये देखें, यहाँ पे वीडियो में ज़रा नज़र नहीं आ रहे, लेकिन इसके ऊपर पर्ल भी लगे हुए हैं। ये साइड पे एक इसी तरह ये लेस पड़ी थी, एक साइड पे ही मैंने इसको यूज़ कर लिया, दोनों साइड पे ज़रा अच्छी नहीं लगनी थी। ये देखें, इसकी कटिंग जो है ज़रा फ्राक की शेप में की हुई है,
और इसके जो चाक है वो भी लॉन्ग रखे हुए हैं। नीचे से राउंड इसकी जो है कटिंग की हुई है, और इसकी फोल्डिंग सिर्फ मैंने सिंपल तरीके से की है। और नीचे ये देखिए पर्ल्स भी अटैच किए हुए हैं, पर्ल्स दरमियाना साइज़ है ऑफ वाइट कलर में ही है। और इसके स्लीव देख रहे हैं, स्लीव की मैंने बिल्कुल सीधी कटिंग की, सिर्फ थोड़ी सी हल्की सी बॉटम में इसको जो है कटिंग थोड़ी सी शेप दी है। और यहाँ पे ऊपर जो है चुनट पे मैंने इसका जो है आर्म होल कवर कर लिया था, चुनट्स डाली हैं सिर्फ दो तीन ही डाली हुई हैं, बस ज़्यादा नहीं है। आगे भी पट्टी है, फिर दरमियान में, फिर ऊपर भी, ठीक है। इस तरह से तीनों का डिस्टेंस इक्वल रखते हुए ये तीन स्ट्रिप्स मैंने राइट ऊपर लगाई हैं, जिससे मेरे स्लीव भी हैं जो अच्छे लग रहे हैं और डिज़ाइनर भी बन गए हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें और इस तरह का कुर्ता ज़रूर रेडी करें, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा स्टाइल किस तरह का लगा। नेक्स्ट देख लें, ये फ्रॉक स्टाइल में, झपला स्टाइल में कह लें आप, ये वाली फ्रॉक है ब्लैक है, इसके ऊपर स्किन कलर का जो है आप देख सकती हैं डिज़ाइन है। सबसे पहले इसकी बैक की कटिंग की, फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे फ्रॉक की कटिंग की है, नीचे से गुलाई में कटिंग की हुई है। इंशाल्लाह इसकी भी वीडियो मैं अपलोड कर दूँगी जल्द अज जल्द। तो ये देखिए पहले बैक की कटिंग करनी है हमने, उसके बाद जो है हमने फ्रंट की कटिंग करनी है। पहले हमने ऊपर से तीरे की कटिंग करनी है फ्रंट की, ठीक है, क्योंकि हमने आर्म होल इक्वल रखने हैं। और नीचे से बस हमने ये जहाँ पे आप देख रही हैं ऐसे इक्वल कटिंग करके, तो फिर यहाँ से गुलाई में कटिंग करनी है जहाँ पे लेस लगाई हुई है, ठीक है, यहाँ से गुलाई में कटिंग करनी है। फिर नीचे से हमने जो है फ्रॉक की ये फ्रंट साइड को हमने थोड़ा सा बढ़ा के रखना है। ये देखिए यहाँ से साइड्स आप देख लें, फ्रंट साइड बैक की तरफ जा रही है, यानी कि ये मेरा भरा हुआ है 8 इंच, ठीक है, 8 इंच फ्रंट साइड को मैंने एक्स्ट्रा रखा हुआ है। और फिर नेक जो है ऊपर से राउंड नेक है, जैसे हम बेबी गर्ल्स का बनाते हैं, और पीछे जो है ये इस तरह मैंने हुक लगाई हुई है ताकि बेबी गर्ल्स को आसानी से पहनाया जा सके। हुक लगा के एक बटन लगाया हुआ है नीचे, ये देखिए लेस लगाई हुई है फ्रंट और बैक दोनों पे, इकट्ठी अटैच की है ये लेस, अलग अलग नहीं लगाई हुई। इसके स्लीव देख लें, पफी से स्लीव है इसके, ऊपर से ये इतना है, फिर नीचे से ये इतना अलग है, ठीक है, दोनों की अलग अलग कटिंग करके फिर हमने इनको अटैच किया हुआ है। ये आगे से ये कट देख लें, ये पहले मैं इसकी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ इस स्लीव की। और ये देखिए पफी सा, ये बहुत ही स्टाइलिश सा बाजू बन जाता है, और बच्चों को पहनना हुआ तो बहुत ही प्यारा लगता है, हम बड़े भी बना सकते हैं। ये नेक्स्ट जो है झबला है, ये भी सेम ब्लैक ब्लैक है। तो ये सबसे पहले हमने ऊपर से नेक की राउंड कटिंग की, फिर फ्रिल लगाई हुई है, और बैक पे ये हुक डाली हुई है। देखिए फ्रिल जो है वो मैंने ऊपर वाले गले में ही डाली हुई है, जो राउंड में मैंने बनाया हुआ है, राउंड सर्कल बनाया था पहले, फिर उसके अंदर जो है ये फ्रिल अटैच कर दी ऐसे। ये ऊपर है, कोई इसको स्टिच नहीं लगाया हुआ नीचे की तरफ, सिर्फ इसको हमने अटैच किया हुआ है अपने जो है शर्ट के साथ। उसके बाद ये जो है हमने अपनी जो है फ्रॉक अटैच की है, फ्रॉक के ऊपर से झबले के ऊपर से हमने कटिंग नहीं किया हुआ। ये देखिए ये स्लीव है, ठीक है, यहाँ से हमने स्लीव रखे हुए, ये फ्रिल जो है स्लीव के ऊपर आ जाती है। नीचे से इसको थोड़ी सी हल्की सी शेप दी हुई है राउंड में, नहीं तो ये खुद ब खुद ही राउंड बन जाता है, क्योंकि हमने ऊपर जो राउंड बनाया हुआ है जिसकी वजह से ये नीचे से भी राउंड शेप आ जाती है। और ये देखिए पट्टी लगा दी ऊपर, आप इसके ओवरऑल लुक ले लें, मतलब स्क्रीनशॉट ले लें। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।